हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गैप के ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी आंसर की आ चुकी है और आंसर की के लिए देखिए आपको एसएससी की साइट पर जाएंगे। साइट पर आपको नोटिस मिल जाएगा, नोटिस में रेस्पॉन्स शीट जो आपने जैसा आंसर किया है वो उसमें है। 10 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक एग्जाम हुआ था। अब रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं कि ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन लगाना, को कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो एसएससी उनका उत्तर मान रही है और कैंडिडेट्स जो है वो कह रहे हैं कि ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर दूसरा उसका है आपने जो किया। तो यदि ऐसा आपके साथ हुआ है, एक क्वेश्चन भी है आपका बहुत अच्छा स्कोर है, कोई बात नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको ऐसा डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, एसएससी गलत कर रही है इसको, तो रिप्रेजेंटेशन जरूर लगाएं। Representation in respect of the tentative answer keys, if any, may be submitted online from 18th Feb 2023, 18 फरवरी 2023 5 बजे से आप 25 फरवरी 2023 5 बजे तक आप 5 PM तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपके objections, आपके representations स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब वो कैसे लगाना है उसके बारे में देखिए आपको। दूसरी बात, आपको ये कहा गया है कि आपका जो आंसर शीट है उसका आपको एक प्रिंट आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बाद में साइट से हटा दिया जाएगा। प्रिंट लेने से रेस्पॉन्स शीट एट द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द अबव स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। कब तक रहेगा? 25/2/2023 तक रहेगा। अब लिंक फॉर कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट टेंटेटिव आंसर कीज एंड सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यहीं पर आपको जाना है। इसको आप ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे, इसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप अपना टेंटेटिव आंसर की खोल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन पर आपको यदि रिप्रेजेंटेशन लगाना है उसका आईडी और उसके बारे में पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है कि कितना उसके लिए फी पे करना है। और दूसरी बात कि आंसर जो है वो उसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, कोई रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। गूगल के जो आंसर हैं वो एसएससी ये कहती है कि हम नहीं मानते, ये ओपन होने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आप यहां से ओपन करके इसको और किसी, ये ओपन हो जाता है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स जो हैं वो जो सेटिस्फाई नहीं है एसएससी के आंसर से और वो आश्वस्त है कि मेरा उत्तर सही है, एसएससी ने गलत किया है, तो दो नंबर की बात नहीं है। देखिए, दो नहीं, आपको नुकसान कितने का हुआ? दो, और कितना गया आपका कि आधा नंबर जो है आपका कट हो गया उसकी वजह से, कि एक क्वेश्चन जैसा कि जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसमें एसएससी मान रही है उसको कि सबसे कम महिला साक्षरता 2011 की जनसंख्या में किसकी है, तो काफी कैंडिडेट्स ने कहा कि ये जो है ये एसएससी जो मान रही है उत्तर ये गलत है, कुछ रीजनिंग में, मैथ में भी, उसमें भी हो सकता है। तो पहले देखिए आप उसको सॉल्व करें अच्छे से, रीजनिंग मैथ में यदि प्रॉब्लम है उसके बाद सॉल्व कीजिए, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की क्या एविडेंस है, तो एविडेंस है कि सीबीएसई का बुक्स जो है वो सबसे बेस्ट है, कि वो उसका आपके पास में एविडेंस है तो कि सीबीएसई की बुक में या जनगणना से संबंधित प्रश्न है तो उसका, कि जो हमारे जनगणना के जो आंकड़े जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। कोई आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उससे भी, कोई स्पेशल बुक का आपको रेफरेंस उसमें देना होगा। तो किस तरीके से लगाना है वो एक बार यहाँ पे देखिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। ऑब्जेक्शन के लिए काफी लोगों ने पूछा था तो कहां से लगेगा सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन का ये जो लिंक है इसी से लगेगा कि जहां आप अपना आंसर की देख पा रहे हैं वहीं से आप रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान। Medical team, eye specialist, MD physician,
स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877।